से आए हैं? हरियाणा से आए, हरियाणा से। बाबा जी की बहुत शक्ति है, बहुत अच्छे बाबा जी हैं। क्यों पसंद नहीं कर रहे? ये हमारा धर्म है, सब हिंदू जाग गया, ये बहुत बड़ी बात है। बस हिंदू का जागना बड़ा जरूरी था। कृपा करे बेटा हमारे पे गुरु बालाजी महाराज कि हमें भी उनके दर्शन हो जा। कुछ तो बाबा में है जो हमें शक्ति दिखा रहे हैं, अपने को खींच रहे हैं। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की 3 दिवसीय कथा हनुमत कथा चल रही है। इस वक्त हम मौके पे ही मौजूद हैं, आपको दिखा सकते हैं कि अंदर पूरा पंडाल जो है फुल हो चुका है, लेकिन फिर भी आस्था और श्रद्धा है। आप इधर देखेंगे तो पूरे जो भक्त हैं यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और तमाम अपने श्रद्धा अनुसार भगवान हनुमान की कथा सुन रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश रहेगी आखिर इतना ज़्यादा लोगों को आस्था या जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं लगातार, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पसंद आ रही हैं? क्योंकि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं और लगातार जैसा कि कल भी उन्होंने अपने मन से हिंदू राष्ट्र की मांग का जो है जिक्र किया और लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की गई। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली के जो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी हैं वो भी इस कार्यक्रम में लगातार मौजूद हैं। इधर देखिए, अगर जो भक्त हैं यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार जो है बाबा का दर्शन तो नहीं उनको पास से पंडाल में हो सका है, लेकिन जो है जाहिर सी बात है जो आस्था है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पंडाल में जाएं और वहीं से हो। जाहिर सी बात है सड़क पर बैठकर भी कि जो है लोग अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, क्या कुछ उनको बाबा को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, यही जानने समझने की कोशिश रहेगी और दिखाने की कोशिश भी रहेगी कि क्या कुछ आखिर कह रहे हैं और कहां कहां से लोग, क्योंकि लगातार हमने कल भी यही दिखाने की कोशिश की, लगातार मध्य प्रदेश से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, तमाम जगहों से अलग अलग लोग आ रहे हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से भी बात करेंगे, लोग बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, यही दिखाने और समझाने की कोशिश रहेगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं प्रयागराज से हूँ। ये बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा चल रही है, आज दूसरा दिन है, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने आए हैं और हम लोग बिहार से बाबा को देखने बिहार से आए हैं। हरियाणा से, हरियाणा से। देखिए ये लोग तमाम जो है बाबा के, जाहिर सी बात है लोगों की आस्था है, लोग अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात जो मंचों से लगातार बाबा हमेशा से करते आ रहे हैं, वो मांग जाहिर सी बात है अब लोगों के भी जुबान पर है, लोग अपनी बातों को भी रख रहे हैं। ये बताइए कितना लोग बाबा को क्यों पसंद कर रहे हैं, क्या ऐसा खास दिख रहा है? ये सबसे बड़ी बात तो यो हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है और दूसरी बात यो है कि यह देश में भगवान श्री राम की बात हो, भगवान श्री कृष्ण की हो, भगवान श्री राम के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान बजरंग बली के भक्त हैं और हम भी बजरंग बली के भक्त हैं, पूरा हिंदू देश बजरंग बली का भक्त है। उड़ीसा से, उड़ीसा। क्यों इतना दूर से क्यों आए हैं यहाँ? बाबा जी की बहुत शक्ति है, बहुत अच्छे बाबा जी हैं। तो देखिए और भी लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि तमाम महिलाएं भी इधर बैठी हुई हैं। अब देखिए इधर जो है महिलाएं बैठी हैं, बाबा के भक्ति उधर कथा चल रही है, क्योंकि कल भी जो है जो कल का कार्यक्रम है लगभग 31 महिलाओं की शादी बच्चियों की होने वाली है जो कि यही पंडाल में की जाएगी और जाहिर सी बात है ये भक्ति जो सैलाब एक दिख रहा है आपको, जाहिर सी पूरा चारों तरफ देखेंगे तो खचाखच भरा हुआ है, मैदान पूरी तरह से भर चुका है। पुलिस के लिए भी जाहिर सी बात है थोड़ी सी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ये दादी क्या नाम हुआ आपका? शशि। ये बताइए कि यहाँ कथा सुनने कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्यों इतना पसंद कर रही है? क्यों पसंद नहीं कर रहे? ये हमारा धर्म है सबसे बड़ा, श्री राम का मंदिर में पूरी होगी। अच्छा। ये हम पसंद नहीं कर रहे, उनकी कृपा है बाबा की हमारे ऊपर, हम कौन होते हैं पसंद करने वाले। वो सुबह से आए गाजियाबाद से के आगे से लग रहे। अब हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हुए तो हमें ऐसी कृपा करें गुरुजी के हमें दर्शन। समझ रहे हैं क्या बाबा?
जब तक सनातन नहीं उठेगा हमारे बच्चे नहीं जी पाएंगे सड़कों पे। आओ दिखाओ दुनिया को कि कितने बड़े कितना बड़ा सनातन हो चुका है। देखो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम। देखिए लोगों की जो श्रद्धा होती जाहिर सी बात है लोग लगातार अपनी भक्ति को दिखा रहे हैं। ये तमाम आप देखेंगे अंदर पंडाल पूरा फूल हो चुका है। ऐसी कृपा करे बेटा हमारे पे गुरु बालाजी महाराज कि हमें भी उनके दर्शन हो जा तो दर्शन हो जा। हम हाथ जोड़ते हैं हम ये कृपा करते हैं कि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जा हैं इतनी दया तो हो जा उनकी। ये बताइए कि इतनी भीड़ आ रही है क्यों लोग बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इतना पसंद कर रहे हैं? भैया उन पर हनुमान जी की कृपा है उनके अंदर उनकी दया दृष्टि है तो इसीलिए वो पब्लिक उनके ऊपर वो हो रही मेहरबान तो इसीलिए तो पब्लिक देखो इधर रोड पर भी जड़ा कह लाख पब्लिक पड़ी अंदर भी कितनी पब्लिक पड़ी तो उन्हें थोड़ी सी व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये इतनी चलिए तो लोगों से भी बात का आप कहां से आई हैं? दिल्ली से ही आए हम तो। ये बताइए कि यहां पे बहुत भीड़ है आप यहां रोड पे बैठी हुई हैं क्या ऐसा क्या लग रहा है कि क्या चीजें हैं जो बाबा को लोग इतना पसंद कर रहे हैं? कृपा है बाबा की कृपा है चुंबक की तरह खींच रहे बाबा हमको और हम भागे चले आ रहे हैं। बाबा कुछ तो बाबा में है जो हमें शक्ति दिखा रहे हैं अपने को खींच रहे हैं और क्या तभी तो हम लोग आए इतनी दूर से सड़क पर पब्लिक बैठी हुई है। सड़क से बड़ा कौन चीज हो सकती है चमत्कार है उनके अंदर में। हाँ ये लोगों से बात कर रहे हैं जानने समझने की कोशिश हो रही है लोगों से बात करते हैं कहाँ आपका नाम क्या हुआ? रिंकू। हाँ रिंकू रिंकू। ये बताइए कि कथा हो रही है दिल्ली में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जी। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए जी। ये बताइए कि लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी बिल्कुल कुछ दिख रहा है जब तो पसंद कर रहे हैं। हाँ जी रोड पे बैठे अंदर जाने का मौका नहीं मिला? नहीं अंदर जाने का मौका नहीं मिला। हाँ जी अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं बाबा क्या लगता है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ जी बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए। विरोधी जो है कह रहे हैं बाबा तो पाखंड कर रहे हैं। नहीं पाखंड नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है पाखंड कुछ नहीं कर रहे हैं। मुस्लिम देश है एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए सारे में। देखिए ये तमाम जो बातें क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है लगातार लोगों से भी बात हो रही है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार काफ़ी लंबे समय से चल रही है। 2014 की बात से बात करें तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं लोगों से भी बात करते हैं। हमें भी जाने दें अंदर अंदर जाने दें हमें भी अंदर नहीं जा नहीं नहीं जा पाए हैं बहुत। अच्छा चलिए देखिए थोड़ी सी शिकायतें भी हैं क्योंकि मैनेजमेंट को लेकर भी थोड़ी समस्या क्योंकि अंदर जो बताया जा रहा है कि पूरी भीड़ जो है लगातार वहां बढ़ती जा रही है लोग भी अब जाहिर सी बात है जनसंख्या बहुत ज़्यादा यहां पे भीड़ आ चुकी है। और इधर देखेंगे सुबह मैंने जबकि यहां सुबह रिपोर्टिंग कर रहा था यहां पर लोगों की भीड़ लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लोग यही दिखाने समझाने की कोशिश हो रही लोगों से भी बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं यहां बाहर जबकि बाबा दूर यहां से अंदर बैठे हुए हैं लोगों से भी बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश रहेगी आखिर क्यों इतना लोग पसंद कर रहे हैं।